यूपी के इलाहाबाद से नंद गोपाल गुप्ता नंदी का एक वीडियो वायरल हुआ है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी बीजेपी यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वायरल हुए वीडियो में नंदी पैर दबवाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे योगी सरकार के रसूखदार मंत्री राजशाही अंदाज में अपने पैरों की मसाज करा रहे हैं। सिर पर हाथ रखकर आराम फरमा रहे ये हैं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके सिरहाने गले में माला डालकर बैठे हैं इलाहाबाद नॉर्थ सीट से बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी। तस्वीरें इलाहाबाद के तेलियरगंज इलाके की बर्तन वाली गली में चुनाव प्रचार के दौरान परसों शाम की हैं। चश्मा लगाए ये शख्स देखिए कैसे मंत्री जी के पैरों की मसाज करने में लगा है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी के एक पैर की मसाज में दो दो लोग लगे हैं। इलाहाबाद से उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। उन्हीं के चुनाव प्रचार से हारे थके मंत्री जी अपने पैरों की मसाज करवा रहे हैं। मंत्री का पैर दबाने वाले लोग उनकी सिक्योरिटी में लगे सरकारी कर्मचारी बताए जा रहे हैं। मंत्री जी को इतना आनंद आ रहा है कि आंखें बंद करके मसाज का मजा ले रहे हैं। चुनाव में जनता के सेवक बनने की कसम खाने वाले जनप्रतिनिधि कैसे जनता को अपना सेवक बनाते हैं ये तस्वीरें इस बात का जीता जागता सबूत हैं। बराबर में बैठे विधायक जी भी कार्यकर्ताओं से आगामी कार्यक्रमों की चर्चा में बिजी हैं और मंत्री जी आराम फरमा रहे हैं। जैसे ही मंत्री जी का वीडियो वायरल हुआ विरोधियों ने मंत्री जी पर हल्ला बोल दिया। सामंती सोच के लोग हैं भाई ये लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी जो है शिष्य रखे हुए वो भी जो है अपना मनवाते। आरएसएस में सिखाया ही जाता है कि नए बटुकों को जो नई भर्ती होती है वो पहले अपने वरिष्ठ स्वयं सेवक का पैर और दबाए। ये बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। उससे खुद पूछिए वो पांव किस लिए दबा रहा था। लगता है कि कहीं ना कहीं उगाही से जुड़ा हुआ मामला है। विरोधियों के हमले के बाद मंत्री जी की अजीबोगरीब सफाई भी सुन लीजिए। मेरे ऊपर बम ब्लास्ट हुआ, उसमें दो तीन लोग मारे गए। मैं अपने हाथ से बुशर्ट की बटन नहीं बंद कर पाता, पैंट के क्लिप नहीं बंद कर पाता। इस तरह से साजिशें करके इस तरह के वीडियो वायरल या जो भी मैंने अभी देखा नहीं, देख लूँ तो उस पर कुछ प्रतिक्रिया कर सकता हूँ। सवाल उठता है लोकतंत्र में आम आदमी के वोटों से चुनकर आने वाले नेता पद पर आते ही कब तक इस तरह राजशाही अंदाज में सेवा कराते रहेंगे। और ये मंत्री हैं यूपी कैबिनेट में, अब क्या कहें इनके बारे में। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।